हेलो रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं कार चला रहा हूँ पहली बार, और जो कैमरा मैन है वो है सुशील। मैं उल्ला जी को थार चलाना सिखा रहा हूँ। हाँ सच में सीख रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक है। मैंने ऑटोमेटिक चलाई नहीं है बाइक, मैंने सच में नहीं चलाई है ना आज तक। बकल अप के साथ साथ में मास्क अप, ये सबसे मेन। हाँ मास्क मुझे पहनना पड़ेगा जो मैं चाह नहीं रहा था पहनना। नहीं मास्क पहन के चलान कट जाएगा हमारा। अच्छा ड्राइव के लिए सबसे पीछे ये क्या ब्रेक या क्लच कुछ एक्सीलेटर? ये ब्रेक है मोटे वाला? मोटे वाला ब्रेक है। आपका फोन आ रहा है सस्पेक्टेड स्कैम। हां कोई बात नहीं चलो ये सबसे पहले पीछे। राइट वाला क्या है? क्लच, हमेशा राइट वाला क्लच ही होता है। ये एक्सीलेटर है तो ब्रेक क्या है? ब्रेक वो है, क्लच का है? क्लच मतलब एक्सीलेटर है वो कोने में। हां और ये ब्रेक, और ये ब्रेक है। और सबसे पीछे करोगे आप, पहले हैंड ब्रेक नीचे करेंगे हम। हैंड ब्रेक नीचे किया हाँ। फिर बस पीछे करो इसको, इसको पीछे करो सबसे पीछे खट से। हो गया हाँ। यू विल फील द मोशन। पहली बारी में ऑटोमेटिक कोई गाड़ी चला रहा हूँ। कर्टसी जावेद हबीब और कर्टसी सुशील जो कि मेरी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त। फिर सामने एक आदमी खड़ा हो गया कुत्ता लेके। अब मैं एक बात बता दूं, जो मुझे अभी सुशील ने बताया, एक गाड़ी आपको हिचकोले देते हुए ले जाती है एक तो, और पेट्रोल बहुत ज्यादा पीती है। आप थोड़ा फील भी कर रहे होंगे चलाते हुए। हाँ ये वो वाला फील देती है जैसे आप घोड़ा चला रहे हो। घोड़ा चला रहे हो और अभी जैसे आगे बम्पर्स आएंगे कुछ तो आप फील करेंगे वो। हाँ शेक तो, अपनी बॉडी के अंदर हल्का हल्का तुबड़ुक तुबड़ुक वाला जो है वो फील हो रही है। अब देखिए, अब देखिए जब सुशील ये देखिए। हाँ तो ये मुझे बताया सुशील ने 16 लाख की गाड़ी है लेकिन घोड़े के मजे फुल देती है। जैसे आप घोड़ा चला रहे हो वैसा वाला हाँ। थोड़ा फील। वैसे घोड़े के अगर आप प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो घोड़ा के हिसाब से तो ये सस्ती है क्योंकि घोड़ा तो घोड़ा ज्यादा महंगा है। हाँ अभी एक और चीज पता लगी। हाँ मैं सिर्फ इसमें ये जानना चाह रहा था ऑटोमेटिक में फील क्या आता है। तो फील एक चीज तो है, टेंशन नहीं रहती क्लच वजवाने की, तो एक घुटना जो है दर्द से बच जाता है, ये एक फायदा है। प्लस एक और चीज बताई थी वो मेरे को टेक्निकल टर्म याद नहीं आ रही, जैसे गाड़ी जब घुमाते हैं हम उसका जो हमारा व्हील का जो एंगल होता है जैसे हाँ, आजकल की गाड़ियों में वो मतलब छोटे से एरिया में आप कितना घुमा सकते हैं ये उतना ज्यादा नहीं घूम पाते हाँ, तो इसको अगर आपको यू टर्न वगैरह लेना है तो काफी सोच समझ के कायदे से बहुत एंगल आपको परफेक्ट होना चाहिए हाँ, तो आप ले पाओगे, नहीं तो आपको बैक करके फिर आगे लेके बैक यूटर्न लेना पड़ेगा। और एक चीज बताई थी सुशील ने वो ये कि अभी जैसे यहाँ सामने बोनट है तो बोनट तक का ही एरिया नहीं है गाड़ी का, उसके आगे भी थोड़ा सा हिस्सा है, तो ये स्पेस जो है थोड़ा सा मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। बाकी हिचकोले में लेते हुए जा रही है, हो सकते है क्योंकि ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है। ऑफ रोडिंग गाड़ी है, 4x4 रहती है ज्यादातर, उस वजह से ये ऐसा। बट गाड़ी का फील बहुत रिच है, बहुत हाइट है गाड़ी के अंदर है ना। ये तो है, इस हाइट में कोई भी गाड़ी नहीं है। हाँ ये बात तो है। अच्छा मुझे यहाँ सिर्फ ब्रेक लगाना है? आपको सिर्फ ब्रेक लगाना है, आपको इसको टच भी, इसको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। ओके, यू जस्ट हैव टू प्ले विद ब्रेक एंड एक्सीलेटर। ये एक मजेदार बात लगी मुझे कि ऑटोमेटिक में हाँ ये संजय जी आपकी कॉल अभी हमने डिक्लाइन करी क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ ये रिच फील वाली बात तो सही बोली है, है ना? हाँ। क्योंकि आपको लगता है कि बाकी सारे लोग सड़क पे आपसे नीचे हैं और हाँ, आप हाँ, ऊपर हो। ये बात बिल्कुल सही बोली है। चलो मैं ये फिलहाल मैं अब ये वीडियो यहीं पे बंद कर रहा हूँ।